हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि पीएसयूज का कट ऑफ कितना रहता है। ठीक है, आल पीएसयूज के मैं लगभग बात करूंगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू जो है क्या कहते हैं कि लेते हैं बच्चों को। ठीक है, तो मैंने जो है मैकेनिकल और सिविल का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो बहुत बच्चे कमेंट किए थे कि सर जो है भाई क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और उसका कम्युनिकेशन का भी बनाइए कि कितना कट ऑफ जाता है टीवी सर जो है पीएसयूज का। तो मैंने सोचा कि इस पर भी वीडियो मैं बनाता हूँ। ठीक है, और जो है सभी ब्रांचेज का मैं बनाऊँगा, सीएस का भी बनाऊँगा। तो सीएस की वीडियो लगभग कल आएगी, तो आप लोग जो है देखते रहिए। ठीक है, और जो है अगर आप लोग दूसरे ब्रांच से तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल जो है मैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी मैं बात करूँगा कम्युनिकेशन का, इंस्ट्रूमेंटेशन का। ठीक है, और जो है हाँ भाई लोग, प्रोसीड करने से पहले आप लोग जो है चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी की मैं अगर बात करूँ तो एनटीपीसी में दो ब्रांचेस, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं सबसे पहले अगर बात करूँ तो इसमें जो है अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें जो है इंस्ट्रूमेंटेशन का मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कहते हैं कि अनरिजल्ट के लिए आपका 374 था। क्या ये 374 इसमें एनटीपीसी में जो है रैंक के थ्रू लिया गया था? 374 से जिसका भी कम रैंक था, कम रैंक का मतलब कि 374 जिसका 373 या फिर रैंक वन या फिर रैंक टू इस तरीके से रैंक था, तो यानी कि रैंक वन से लेकर रैंक 374 के बीच में जिसका रैंक था उसको इंटरव्यू के लिए कॉल गया था। ठीक है, ओबीसी के अगर वही केस में देखा जाए तो ओबीसी केस में 1118 गया था आपका, 1118 यानी कि एक से लेकर 1118 के बीच में जिसका जो है रैंक थी तो उसको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल गया था। एससी केस में आपका 23 सोचा गया था, 23606, तो इसके बीच में जिसका भी रैंक था उसको जो है कॉल गया था इंटरव्यू के लिए। ठीक है, एसटी केस में वही जो है 9439 सर, अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी थी तो एसटी कैटेगरी में तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल गया था। इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात की जाए एनटीपीसी में ही इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू, तो इसमें 818-17 के बीच अंदर जिसका रैंक था उसको इंटरव्यू के लिए कॉल गया था। 2471 आपका गया था, 2471। ठीक है, और एससी केस में आपका 477 गया था रैंक, यानी 4077 के बीच में जिसका रैंक था उनसे लेके 4077 के बीच में तो उसको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल गया था। और एसटी केस में आपका 3083, ठीक है, इसके अंदर जिसका रैंक था उसको जो इंटरव्यू के लिए कॉल गया था। तो ये आपका रहा ऑल अबाउट एनटीपीसी। ठीक है, अब मैं पीडीएफ नहीं बना पाया हूँ भाई, तो इसके लिए जो है माफ़ करना, जो मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका एनटीपीसी के लिए हो गया। तो एनटीपीसी की अगर बात किया जाए तो एनटीपीसी हो गया। अगर ओएनजीसी की बात किया जाए तो ओएनजीसी में भी दो डिपार्टमेंट थी, तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ बड़ा बड़ा ओएनजीसी। ठीक है, ओएनजीसी, तो ओएनजीसी में आपका क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर एई के थ्रू होता है, एई इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एई इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपका क्या कहते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपका कट ऑफ ये मार्क्स के हिसाब से था, मार्क यानी कि 100 में से आपका कितना मार्क्स था उसके हिसाब से इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। तो अनरिजल्ट में आपका 54.67 गया था। ठीक है, और क्या कहते हैं ओबीसी केस में आपको 48.33, एससी केस में आपका 34.33। ठीक है, और एसटी केस में आपको 29.33, इस पर इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था। इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर देखा जाए तो 49 यानी कि बहुत कम मार्क्स पे आ गया था। ये 2022 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ डेटा। ठीक है, ओबीसी केस में आपका 38.33 और एससी केस में आपका 29.67 और एसटी केस में 30.33। तो ये आपका कट ऑफ गया था ओएनजीसी में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ओएनजीसी में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इतना जो है हो गया। अगर मैं बात करूँ ओएनजीसी के बाद ईसीआईएल का, जो 2022 में पार्टिसिपेट किया था, तो ईसीआईएल की अगर मैं बात करूँ, ईसीआईएल, ठीक है, ईसीआईएल की अगर बात करें जनरल में आपका 54.67 गया था कट ऑफ। ठीक है, वही ओबीसी केस में 48.67 गया था। ठीक, ओएससी केस में 52.33 गया था, यानी कि इसके अंदर अगर आपका मार्क्स था 100 में से तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था। एसटी केस में आपका 34 गया था। तो ये ईसीआईएल का था डाटा। तो आप लोग देख सकते हो ओएनजीसी का बता दिया और एनटीपीसी का बता दिया, ईसीआईएल का बता दिया कितना कट ऑफ गया था। तो यही शायद तीन जो है आपके जो है पार्टिसिपेट करने वाले थे 2022 में, यही तीन जो है पार्टिसिपेट किए थे इलेक्ट्रॉनिक्स और क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में पीएसयूज। तो
तो ये रहा जो है ओवरऑल क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। अगला नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा सीएस के बारे में, सीएस और आईटी के बारे में, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके हिसाब से वीडियो आएगा। तो आप लोग जो है भाई इतना ही था इस वीडियो में, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।